बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपको रिकॉर्डिंग के अंदर इशू आ रहा है स्क्रीन रिकॉर्डिंग में कि आपकी स्क्रीन जो है वो रिकॉर्ड हो रही है लेकिन आपको आवाज़ बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही, तो इसको हम किस तरीके से इनेबल करेंगे। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि इसमें हम और भी बहुत अच्छी अच्छी सी बातें बताएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक डॉट आ रहा होता है, जैसे ही हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं हम जहाँ भी टच करते हैं तो एक वाइट कलर का डॉट आ रहा होता है, हम इसको कैसे रिमूव करेंगे और हम अपने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की जो साउंड हमें सुनाई नहीं दे रही हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सारा कुछ आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगी। और एस कैप्चर के बारे में भी बताऊंगी, कैसे हम थ्री फिंगर्स के ज़रिए हम कैप्चर कर सकते हैं। तो लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेन इशू है वो यही है कि हमें सुनाई कुछ नहीं दे रहा, अलबत्ता स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और साउंड जो है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही है। अब हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसका बहुत इजी सा सलूशन है। हम सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि हम इस तरीके से सेटिंग में जा सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे हमारे पास सेटिंग की ऑप्शन आ गई, हम यहाँ से सेटिंग में जा सकते हैं। और हमारे पास एक और ऑप्शन है, वो ये है कि हम यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन नीचे करेंगे और यहाँ से हमारे पास यहाँ भी सेटिंग की ऑप्शन आ रही है, हम सेटिंग के ऑप्शन में चले जाएंगे। और यहाँ पे हमने फाइंड क्या करना है, एस कैप्चर। और अगर हमें बिल्कुल नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर आपका वीवो का मोबाइल है या आपका कोई और मोबाइल है और आपको पता नहीं चल रहा कि हम किस तरीके से करेंगे फाउंड एस कैप्चर को, तो हम किस तरीके से इसको करते हैं, हम क्या करेंगे, हमने जस्ट यहाँ पे सर्च पे टाइप कर देना है एस कैप्चर। देखिए, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है एस कैप्चर, तो हम कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपका वीवो का मोबाइल हो, हम किसी भी मोबाइल के अंदर ये सेटिंग कर सकते हैं। तो हम जैसे ही एस कैप्चर पर क्लिक करते हैं, ये देखिए आपको डॉट फील हो रहा होगा। अब मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊँगी कि हम इसको भी कैसे रिमूव करेंगे। तो यहाँ से हम एस कैप्चर पे क्लिक कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास आ गया है एस कैप्चर। उन्होंने बताया है कि हम सेटिंग में जाएंगे, शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी में जाएंगे और फिर हम एस कैप्चर में जाएंगे। आप अगर आपको नहीं पता चल रहा कि हमने किस तरीके से जाना है, किसी और चीज़ को आप ढूंढ रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि हमने कैसे करना है, किसी फिंगरप्रिंट लगाना है या कोई और भी इशू है, तो हम यहाँ पे जस्ट सर्च करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ पे डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। हमने इस पर क्लिक किया तो हम यहाँ पर आ गए। अब देखिए, यहाँ तो फर्स्ट पर पहले ही बता रहा है कि अगर आपने थ्री फिंगर्स करनी है तो जस्ट आपने यहाँ पर इसको अनेबल कर देना है। और यहाँ पर देखें, डिस्प्ले टच ट्रेजेक्ट्री। तो जैसे ही हम इसको अनेबल करेंगे तो हमारे पास जो है वो डॉट नहीं आएगा जो कि हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग के दौरान आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास जो एक ऑप्शन है रिकॉर्ड साउंड, तो हमारा जो मेन हमारी वीडियो थी वो इसी से रिलेटेड थी कि हमें साउंड जो है वो सुनाई नहीं दे रही, हम इसको कैसे करेंगे। इसमें एक ऑप्शन, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास तीन ऑप्शन ओपन होंगे। चूँकि इस टाइम मैंने इसको खुद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ इसलिए आपको नहीं पता चलेगा, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आएगी नन की, फिर सिस्टम ऑडियो की एंड माइक्रोफोन साउंड की, और हमारे पास है सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन। तो हमने इसके ऊपर क्लिक कर देना है सिस्टम ऑडियो एंड माइक्रोफोन साउंड, जिस तरह मैंने सेटिंग की है उसी तरीके से आप ही कर लीजिएगा। फिर हमारे पास है पिक्चर क्वालिटी, जो सी हमने हाई रखी हुई है, और रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस डोंट डिस्टर्ब, तो इसको भी आपने इनेबल रखना है ताकि अगर आपके पास स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो उस टाइम आपको बिल्कुल भी कोई नोटिफिकेशन ना आए, कोई कॉल रिकॉर्ड ना हो, तो यहाँ पे आपको डोंट डिस्टर्ब का बहुत अच्छा मिल जाएगा। आप इसको इनेबल कर दें तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। उसके बाद अगर डिस्प्ले टच पे इस पर क्लिक कर देंगे तो ये जो वाइट आपको भी महसूस हो रहा होगा, तो ये वाइट जो डॉट है ये भी नहीं आएगा। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो, यकीनन आपका साउंड रिकॉर्डिंग का इशू तो सॉल्व हो चुका होगा। आपके पास वीवो का मोबाइल है या कोई भी मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, तो ये आप जो सेटिंग करके आप इजीली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग के ज़रिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी करेंगे और आपको साउंड भी सुनाई देगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी आज की वीडियोस को कैसी लगी है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारी तमाम लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।